हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाएंगे कुंदरू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कुंदरू ले लिए और इन्हें दो पानी में अच्छे से धो लिया। तो फ्रेंड्स, कुंदरू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप कुंदरू को इस तरह से पानी में धो लीजिए और धोने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पानी से निकाल लिया और अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इस तरह से सिरे काटेंगे और इसे इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। पहले इस तरह दो पीसेस कर लेंगे और फिर इसके वापस से दो पीसेस कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस रेसिपी के लिए इस तरह लंबे स्लाइसेस में इसे कट कर रहे हैं। और सारे कुंदरू को आप इस तरह से कट करके तैयार कर लीजिए। और इसके साथ हमें चाहिए होगा आलू। तो यहाँ पर मैंने कुंदरू को लंबे और पतले स्लाइसेस में काट लिया है और अब यहाँ पर मैं एक आलू ले लूँगी और आलू का मैंने छिलका निकाल लिया है और उसे भी इसी तरह से लंबे और पतले स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं, आलू को भी मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसेस में, जैसे मैंने कुंदरू को कट किया है, उसी तरह से लंबे स्लाइसेस में कट करके तैयार कर लिया है। और अब हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल में हमें कुंदरू को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और कुंदरू को इसमें डाल दिया। और जैसे ही कुंदरू सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम उसके अंदर आलू डाल देंगे। और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी जिससे कि इसमें अच्छे से नमक मिक्स हो जाए। तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो लगभग 5 मिनट तक इसे हम पकने देंगे और जैसे ही सॉफ्ट होने लगेंगे तब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो जो आलू के स्लाइसेस हमने काट कर रखे हैं वो भी इसके साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों को एक साथ अगर हम फ्राई करते हैं तो हमारा समय भी बच जाएगा और ये सब्ज़ी फटाफट से बनकर रेडी हो जाएगी। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये बहुत आसान रेसिपी है और कुंदरू की अलग अलग वैरायटी की रेसिपीज़ भी बनती हैं जिसे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए और आलू में पहले से मैंने थोड़ा सा नमक लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, जब आप आलू को कट करें उस पर थोड़ा सा नमक लगाकर उसे छोड़ दें जिससे कि आलू काला भी नहीं पड़ेगा और आलू के अंदर अच्छे से नमक चला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को अब मिला करके और पकने देंगे। तो 3-4 मिनट इसे और पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं 3-4 मिनट इसे पकते हो गए हैं। तो इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और ये दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक छन्नी में निकाल देंगे जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब अलग हो जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इसे ऑयल में से निकालें तो एक इस तरह से छन्नी में निकाल लें और उस छन्नी को किसी प्लेट में रख दें जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है सारा निकल जाएगा। तो अब मैंने उसी पैन में 1 चम्मच ऑयल ले लिया और 1 बड़े साइज़ के प्याज को काट करके इसमें डाल दिया और अब इसे गोल्डन होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्याज गोल्डन कलर का हो जाएगा हम इसमें 2-3 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, ये सब इसमें क्रश करके डाल देंगे। और उसके साथ ही कुछ मसाला डालेंगे जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच भुने जीरे का पाउडर, ये सब इसके अंदर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें यहाँ पर हम अभी नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कुंदरू और आलू में पहले से ही नमक डाल दिया है। अगर यहाँ पर आप नमक डालेंगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। कुंदरू और आलू को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक बार नमक चेक कर लेंगे। अगर इस स्टेज पर नमक कम लगता है तभी आप ऐड करिएगा और नहीं तो हमने पहले ही इन चीज़ों में नमक ऐड कर दिया है। अगर हम प्याज में नमक डालेंगे तो सब्ज़ी में नमक ज़्यादा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसे मिक्स करके 2-3 मिनट और पकाना है। तो लो फ्लेम पर
इसे हम ढक करके 2 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये सारी सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुंदरू और आलू की ड्राई सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।